प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम बात करेंगे रस और उनका परिचय, और हमने श्रृंगार रस के बारे में बात कर ली थी। दूसरा रस है करुण रस। किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका या उसके विनाश से हृदय को जो क्षोभ उत्पन्न होता है वो करुण रस कहलाता है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो या प्रिय वस्तु हो, उसके अनिष्ट की आशंका या उसके विनाश की जो आशंका है उससे हृदय को एक क्षोभ उत्पन्न होता है, एक भाव उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं करुण रस। जैसे प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में, वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जल्दि का नाद अपार। कामायनी का जिक्र है। कामायनी में जब प्रलय हो गई थी उसके बाद एकमात्र मनु बसते हैं, सारी सृष्टि जितना भी देवलोक था, जितने भी देवताओं का वैभव विलास था, सारा का सारा नष्ट हो गया, अनिष्ट या विनाश था ये, और उससे मनु के हृदय के अंदर एक भाव पैदा हो रहा था और वो भाव कहलाता था, वो भाव क्या होगा, शोक। उस शोक भाव से जिस रस की उत्पत्ति हुई वो कहलाता है करुण रस। प्रकृति रही दुर्जय, प्रकृति अविजित रही और हम सब पराजित हो गए, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के मद में, बस वैभव विलासिता का घमंड था वह चूर चूर हो गया, वे सब डूबे, वो सारे के सारे डूब गए, उनका वैभव सारा डूब गया, उमड़ रहा है देव सुखों पर जल निधि का नाद अपार, जल्दी समुद्र का जो पानी था पार पानी वह देवताओं के सुख पे उमड़ रहा था। यह स्थाई भाव शोक, आश्रय मनु, क्योंकि उन्हीं के मन में शोक पैदा हो रहा है। आलम्बन कौन, देवताओं का विनाश। उद्दीपन, देव का वैभव जो पहले था कभी वो बार बार याद आ रहा है, विलासिता, प्रकृति को जीतने की शक्ति का स्मरण, ये देवताओं की आदतें थी, ये क्या है, उद्दीप्त कर रहे हैं उसके शोक भाव को। अनुभव, मन का आहें भरना, कैसे पता लग रहा है हमें कि मनु के मन में शोक भाव जागृत हो रहा है, मनु का आहें भरना, चिंता करना। और संचारी भाव, चिंता, ग्लानी, स्मृति, दैन्य। एक उदाहरण देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, स्वासु में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकुल, छाया में मलय प्यार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। संध्या गीत से लिया गया महादेव वर्मा का। आश्रय कौन, महादेव वर्मा खुद स्वयं कवयित्री, जिनके मन में शोक भाव पैदा हो रहा है। आलम्बन, दुख की बदली। उद्दीपन, स्पंदन, करंदन, उद्मड़न, मिटना, ये जो शब्दावली है ये और ज़्यादा उद्दीप्त कर रही है कवयित्री के मन के भावों को। और हमें कैसे पता लग रहा है, आत्मनिंदा, कवयित्री अपने आप की निंदा कर रही है। संचारी भाव, चिंता। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, हाय राम कैसे जेले हम, अपनी लज्जा अपना शोक गया, हमारे ही हाथों से हमारा राष्ट्रपिता पर लोग, महात्मा गांधी की मृत्यु पर लिखी हुई है, ये भी शोक है। अगला रस है शांत रस, संसार की क्षण भंगुरता। शांत रस में क्या होता है, संसार की क्षण भंगुरता, सभी वस्तुओं की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होने पर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, उसे निर्वेद कहते हैं। देखिए, मनुष्य के अंदर जब एक वैराग्य, मतलब मनुष्य के अंदर जब ये एहसास हो जाए कि संसार क्षण भंगुर है, कुछ भी नहीं है, सबको मरना है, सभी वस्तुएं नाशवान हैं, ऐसा लगने लग जाए, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाए कि जो कुछ है वो ईश्वर है, बाकी सब चीज़ें गौण हैं, उस अवस्था में मनुष्य के मन में एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, वैराग्य, और वो कहलाता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है लगाव रहित होना, वेद का मतलब होता है जुड़ना, निर्वेद लगाव रहित होना। यही निर्वेद नाम का स्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ मिलता है, संपृक्त होता है, तो शांत रस की उत्पत्ति करता है, शांत रस उत्पन्न होता है। फिर जैसे उदाहरण देखिए, सोच रहे थे जीवन सुख है ना ये विकट पहेली है,
भाग अरे मनु इंद्र जाल से कितनी व्यथा न झेली है, श्रद्धा के रहते ये संभव नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो फिर शांति मिलेगी मुझको, वहाँ खोजता जाऊँगा। कामायनी में मनु देव प्रलय, जो प्रलय हो जाते हैं उसके बाद मनु अकेले बसते हैं, और मनु बैठे बैठे अकेले बैठे कुछ सोच रहे हैं, उसी समय उनको श्रद्धा से मिलन होता है, और श्रद्धा से मिलने के बाद मनु के मन में बहुत सारे सपने उमड़ने घूमने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मनु इन सारे सुखों से, सांसारिक जो सुख हैं उन सब से उनके मन में वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्होंने उस कहते हैं कि जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, सोच रहे थे जीवन सुख है, वो कहते हैं कि सोचा था जीवन सुख होगा, जीवन सुख का नाम है, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये विकट नहीं, ये तो विकट पहेली है, एक पहेली है जो कभी सुलझती नहीं है। भाग अरे मनु इंद्रजाल से कितनी व्यथा ने झेली, और वो कहता है कि हे मनु अब ये जो इंद्रजाल है इससे निकल भागो, कितने दुख नहीं झेले हैं इस जीवन में हमने, हर आदमी दुख झेलता है जीवन में, श्रद्धा के रहते ये संभव नहीं कि कुछ कर पाऊँगा, कहता है कि अगर श्रद्धा के साथ में रहा तो ये संभव नहीं है कि कुछ कर पाऊँगा, दुखी दुखी रहूँगा, तो कहते हैं तो फिर मिलेगी शांति मुझको, वहाँ ढूंढता जाऊँगा कि जहाँ शांति मिलेगी वहाँ चला जाऊँगा। ये क्या है, निर्वेद है, कवि के मन में संसार की क्षणभंगुरता और संसार के प्रति उदासीनता है, यहाँ स्थायी भाव होगा निर्वेद। आश्रय कौन, किसके मन में भाव पैदा हो रहा है, मनु। आलंबन, किसको देख के ये भाव पैदा हो रहा है, इंद्रजाल रूपी संसार, ये जो सारा संसार है ये जादू टोना लगता है, इंद्रजाल है, इसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर घुसता जाता है और जकड़ता जाता है। उद्दीपन, उसके मन में उठे हुए भाव को और उद्दीप्त कौन कर रहा है, जीवन का विकट पहेली बन जाना, सुख का न होना। अनुभव कैसे पता चलता है, मनु का भागने का विचार, शांति की खोज के लिए उत्सुक होना, ये सारे के सारे जो हैं वो अनुभव है, जिससे हमें पता लगता है कि मनु दुखी है। संचारी भाव, ग्लानि, मति, दैन्य, निर्वेद। एक और उदाहरण देखिए, मलय अनिल और गुरु गरल तीय कुंतल अहि देह, सुचारू विधि को भेद तजी मम मिति गई अच्छे है। मलय अनिल और गुरु गरल तीय कुंतल अहि देह है। देखिए संसार के प्रति विराग वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, तीय कुंतल की स्त्रियों के जो बाल हैं वो क्या हैं, अहि नाक के समान है। मलय अनिल और चंदनयुक्त जो वायु है वो भयंकर विष के समान है। जो आदमी को मदहोश करती जाती है इस संसार में, जो आदमी को मदहोश करती जाती है, सुचारू विधि को भेद तजी, कि विधाता या ईश्वर का भेद जान करके इन सबको छोड़ दो, मम मिति गई अच्छे, कवि कहता है कि मेरी जो मति है वह इन सब से ऊपर निकल गई है, अर्थात कवि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि सारी की सारी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब का सब गड़बड़ है। आश्रय कौन, कवि स्वयं। आलंबन, अनित्यता भरा संसार, कि ये जो संसार है ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, यहाँ कुछ भी सही और तय नहीं है। अनुभव, कैसे पता लग रहा है हमें कि कवि के मन में वैराग्य जग गया, सब पदार्थों में समान दृष्टि। कवि जब सुख और दुख में, अच्छे और बुरे में, गुण और अगुण में एक दृष्टि रखता है, दुख तो इसका मतलब है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और संसारी भाव मति आदि। स्नेह निर्जर, निराला की कविता है, स्नेह निर्जर बह गया रेत जो तन रह गया, ये भी इसी भाव की कविता है, निर्वेद स्थायी भाव की। एक यह महत्वपूर्ण बात और है देखने लायक, आचार्य भरत ने निर्वेद नामक स्थायी भाव और शांत रस का अभिनय रंगमंच पर संभव नहीं है। आचार्य भरत ने कहा था कि निर्वेद जो स्थायी भाव है वह और एक शांत रस, इनका अभिनय मंच पे नहीं किया जा सकता, और पहली बात तो संभव ही नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर संभव भी है तो उचित नहीं है,
यानी वैराग्य का भाव जो है वो मंच के ऊपर अभिनित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से शांत रस की जो उत्पत्ति है वो मंच पे नहीं दिखाई जा सकती, ये आचार्य भरत का मानना था। इस प्रकार हमने देखा कि निर्वेद से जो वैराग्य भाव पैदा होता है उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। बाकी बातें कल।